नेशनल खबर सब पर नजर। जो भी पेशेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं आज, मुझे बड़ा मुश्किल होता है उनके रिपोर्ट्स देख के कि आज मैं दिल्ली में था, एक ऐसा पेशेंट मुझे मिला जो करीब करीब 29 या 30 साल हो गए गोलियां और उसके बाद में इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनकी जो टेस्ट कराई उसके बेसिस पे ये पता लगा कि वो इंसुलिन बिना किसी कारण से इंसुलिन ले रहे हैं। वो डॉक्टर एस कुमार के इस बयान को सुनकर आपको अजीब सा जरूर लग रहा होगा। ये पूरा इंटरव्यू आप इसी हेल्थ प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको डायबिटीज और इंसुलिन के बारे में जानकारी दे देते हैं। डायबिटीज के सही ढंग से प्रबंधन का तरीका ये है कि इसके इलाज की सही जानकारी हासिल की जा सके, फिर चाहे आपको हाल ही में खुद के डायबिटीज से ग्रसित होने का पता चला हो या फिर आप पिछले कई सालों से इसका सामना कर रहे हों। जहां ज्यादातर लोगों को डायबिटीज के दौरान इंसुलिन की भूमिका की सही जानकारी नहीं होती है, तो इंसुलिन से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जिसका कि हर शख्स को पता होना चाहिए जो कि डायबिटिक है। इंसुलिन को लेकर कई अहम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार हमेशा रिसर्च के आधार पर ही जानकारी देते हैं जो पूरी तरह विज्ञान के तर्ज पर बेस्ड होती हैं। डॉक्टर एस कुमार पीएसटी गोल्ड मेडलिस्ट वैज्ञानिक हैं, साथ ही डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट टाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर एस कुमार को 45 सालों से भी अधिक का तजुर्बा है। डॉक्टर एस कुमार से अभी तक लाखों डायबिटीज के मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना सामान्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आप भी देखिए इंसुलिन पर डॉक्टर एस कुमार का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आज और एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हम आए हैं एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स के कंटिन्यूशन प्रोग्राम में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से। आपने अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उसमें आपने सबने देखा होगा कहीं ना कहीं हम आपसे साइंस की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, जबकि सारी पैथियाँ सिम्टम की बात करते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इंसुलिन, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात। जो भी पेशेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं आज, मुझे बड़ा मुश्किल होता है उनके रिपोर्ट्स देख के कि आज मैं दिल्ली में था, एक ऐसा पेशेंट मुझे मिला जो करीब करीब 29 या 30 साल हो गए गोलियां और उसके बाद में इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनकी जो टेस्ट कराई उसके बेसिस पे ये पता लगा कि वो इंसुलिन बिना किसी कारण से इंसुलिन ले रहे हैं। वो अब वो देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बेसिक मुद्दे हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी के, इंसुलिन रेजिस्टेंस के और कितना इंसुलिन हमारे शरीर में चाहिए इसके बारे में। तो देखिए इंसुलिन जो होता है, आज जितनी डायबिटिक 2 की प्रॉब्लम है ये इंसुलिन से जुड़ी हुई है। ये जुड़ी इसलिए है कि हाइपर इंसुलिनेमिया की बात हो रही है, विच इज़ कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन होती कितनी है और अपने को कितनी की ज़रूरत होती है, तो ऑन एन एवरेज जो होता है एक यूनिट अगर इंसुलिन अगर हम कुछ जो 50 से ज़्यादा मिलीग्राम की शक्कर को डाइजेस्ट कर जाता है, अगर सेंसिटिविटी अच्छी या कम है तो ये 15 से 150 मिलीग्राम तक की शक्कर को डाइजेस्ट कर सकता है। तभी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको कभी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। अब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन होती कितनी है, ये 1 to 2 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट, ये हमेशा हमारे बॉडी के पेंक्रियाज में ये रिजर्व होती है। जैसे ही हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसी मात्रा में इंसुलिन वहाँ से सिक्रीट होती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जब हम लोग कोई मोटर कार या स्कूटर चलाते हैं तो जैसे ही हम रेस करते हैं तो उतना ज़्यादा पेट्रोल हमारे इंजन को लगता है, वैसे ही जितना हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसी मात्रा में इंसुलिन वहाँ से रिलीज होती है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो पेंक्रियाज में ही स्टोर होती है। अभी देखिएगा कि बॉडी के अंदर एट ए टाइम कितना इंसुलिन जमा होता है, तो पेंक्रियाज में एट ए टाइम 200 यूनिट तक इंसुलिन बना हुआ तैयार रहता है,
जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो तुरंत वहाँ से आगे निकलता है। जैसे कोई पेट्रोल की टंकी हमारे बॉडी की 5 लीटर है, जितना ज़रूरत है उतना ही निकलता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियाटिक सेल के अंदर जो स्टोरेज है वो है 200 यूनिट का, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वो रक्त में मिल के आपको आगे ब्लड ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन में आपकी मदद करता है। अब रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी पर डे की, वो अप्रॉक्सीमेटली बॉडी का वेट जितना होगा या जैसा हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे 30 से 50 यूनिट पर डे इंसान को ज़रूरत होती है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण इंसुलिन की मात्रा एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है, जिसको हम लोग हाइपर इंसुलिनीमिया बोलेंगे, विच इज़ कॉजिंग इन रिजल्टिंग इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जिसके कारण आपकी शुगर जो है पर्याप्त मात्रा में बनने के कारण के बाद भी शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आती है। आपकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा है, पोस्टिंग बहुत ज़्यादा है, 3 महीने का एवरेज 7.6 के ऊपर आता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है खान पान आपको ऐसा रखना चाहिए जो मिश्रित रूप में हो। आपको 33% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 33% फैट लेना है, 33% आपको प्रोटीन कंटेंट लेना है। तो प्रिसाइजली वहाँ पे उतना ही इंसुलिन रिलीज होता है जितनी शरीर को उसकी आवश्यकता है। तो डायबिटीज 2 का जो मुख्य कारण है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसको सेंसिटाइज किया जाता है जिसके कारण आपको इंसुलिन की मात्रा कम होती है। तो मैंने पहले भी हमारे सारे वीडियोस में एक ही बताया है कि सबसे पहले आपको जो टेस्ट कराने हैं, आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आपके बॉडी के अंदर फास्टिंग सीरम इंसुलिन की टेस्ट, उसके बाद में सी पेप्टाइड, उसके बाद में होमोस्टेसिस मॉडल असेसमेंट जो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर बीटा सेल कितने काम कर रहे हैं, उसकी कितनी सेंसिटिविटी है और हमारे लिए कितना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें करें तो जो हम भारत में डायबिटिक्स मुक्त की बात कर रहे हैं इस अमले पे चलें, तो मुझे लगता है कि हम लोग इससे मुक्ता पा सकते हैं। सभी लोगों से गुजारिश ये है कि आप ये टेस्ट करके आपके जो एरियाज़ के जहाँ जहाँ भी आपके अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। हमारे पास आना बहुत लोगों को मुश्किल है, लेकिन हाँ ये टेस्ट करके ज़रूर करिए और आप लोगों की प्रॉब्लम बहुत हद तक, ये मैं बोलता हूँ तो गारंटी के साथ, कि आपकी कम से कम 99% तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। दूसरा, और इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के हमारे फ़ोन आते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सबको रिप्लाई करना, तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दीजिए और कुछ जो भी सवाल है उसके माध्यम से आप हमसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हज़ारों में फ़ोन हमारे पास में आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सबको इसका जवाब दे पाए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आपके सवाल जो है आप उसमें लिखें, तो आपको एप्रोप्रिएट के माध्यम से आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। आज बहुत सारे पेशेंट्स हमारे चंडीगढ़ और मोहाली में या पंजाब में हो गए हैं, तो वहाँ भी हमारा सेंटर चालू हो गया। बहुत जल्दी हमारे सेंटर्स लखनऊ में चालू हो रहे हैं, बनारस में चालू हो रहे हैं, देन गुवाहाटी में चालू हो रहे हैं, चेन्नई में चालू हो रहे हैं। तो कुछ समय ज़रूर दीजिए, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे लोग अच्छे हो रहे हैं, तो आपका भी नंबर किसी समय भी लग सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमसे संपर्क करें आपके रिपोर्ट्स के साथ में, या कुछ अगर नहीं है जहाँ पहुँच पा रहे हैं वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा से। लेकिन फिर एक बात आती है कि हज़ारों लोगों के फ़ोन है, हज़ारों लोगों की चीज़ से उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और आप बेहद परेशान हैं, तो आप डॉक्टर एस कुमार से जरूर संपर्क करें। अभी तमाम मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, आप भी सुनिए। लेकिन अभी जो आपकी शुगर हमने देखी थी, और मेरी शुगर काफी नीचे है, ये आपकी जो फास्टिंग थी वो 229 थी, अभी 207 आ गई है, 279 थी, 209 आ गई है, और जो
382 थी वो 241 आ गई। जी 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 बिल्कुल, 15 दिन में ही शुगर काफी डाउन आ गई है। हाँ। और वो तो मेरी रिपोर्ट बता रही है आपको। जी हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट है इसमें से। जी बिल्कुल। तो इस थेरेपी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी कोई बीमार है आप डाइट थेरेपी पे बहुत भरोसा करके विश्वास के साथ आइए, क्योंकि मैं खुद मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है तभी मैं बात कर रही हूँ। कि मुझे विश्वास वैसे रहा नहीं था, क्योंकि मैं काफी एलोपैथी काफी आयुर्वेदिक में जा चुकी, डाइट थेरेपी का नहीं किया था जी, मगर यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। पर अभी मुझे उस चीज पर मैं तो बोल रही हूँ कि जब आप अगर एलोपैथिक से थक गए हैं या आयुर्वेदिक से भी आपको लग नहीं रहा है, सीधे आ जाइए। बिल्कुल मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल आराम आएगा, तो मुझे बहुत आराम हुआ। 15 दिन में मुझे इतना आराम हुआ है तो मैं आगे क्या उम्मीद तो करूंगी करूंगी ना। और आपको ये भी बताया था कि ये रिपोर्ट देख के जितने रिपोर्ट्स ये जो हमने कराए जी, इसके पहले आपने कभी कराए क्या ये रिपोर्ट? नहीं, वो मैंने जो आपने नए टेस्ट कराए हैं, मैं सिर्फ ये फास्टिंग पीपी और HbA1c ये कराती थी, और मुझे किसी डॉक्टर ने बताया भी नहीं, बताया भी नहीं। बाकी जो आपने जो नए टेस्ट कराए हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम ही कराए हैं। और इससे जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको डायबिटीज है ही नहीं, इससे पता चल रहा है ना कि मेरा इंसुलिन बन रहा है। उसमें तो आपको दिख ही रहा है कि सब बन रहा है, और हम बार बार इंसुलिन की दवाइयाँ, और मैंने भी बहुत खाई हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो इंसुलिन लेते रहे हैं, टैबलेट लेते रहे हैं, इंजेक्शन लेते रहे हैं, कोई फायदा नहीं है वो। और बल्कि फायदे की जगह हमें इमीडिएट तो हमें वो दिखाते हैं एक कि हमारी शुगर लो हो गई है, मगर उससे मगर देखा जाए तो वो हमें दूसरी तरफ मैं जो अब तक समझी हूँ कि वो हमें बहुत नुकसान दे रहे हैं। अच्छा, तुम तकलीफ की है ये? शुगर सी। अच्छा, कितना सी? पहला मेनू आया जी 242 आया जी। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम मेनू 242 आया। हाँ जी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ 300 ਤੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ 300 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ 300 ਕਿੰਨਾ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 343 ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400 ਲੱਗ ਭੱਗੇ ਸੀ। ਆਹੋ ਚਾਰ ਸੌ ਤ੍ਰੇਹਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਦ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੀ 9 ਨੂੰ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਬੱਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਮੋਹਾਲੀ ਕੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਆਪ ਆਏ ਥੇ? ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਇਬਿਟੀ ਕੀ ਆਪਕੀ ਇਸ਼ੂ ਥੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਂ ਔਰ ਆਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੀ 119 ਜੀ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਥੀ 212, ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ 88 और 108। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे डायबिटीज़ की? सर, सबसे पहले तो मैं आपका डॉक्टर एस कुमार जी का थैंक्स करना चाहूँगा। मैंने नेट के थ्रू वीडियो देखी थी जहाँ से मुझे आपके बारे में पता चला था, फिर ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने 9 तारीख को पिछले महीने मई में जून में आपने यहाँ पे मोहाली सेंटर खोला। तो मैं आपके पास आया था, आपने मुझे 15 दिन की दवाई दी थी। 15 दिन बाद सर जब मैंने चेक करवाया तो ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला। जो 119 मेरी शुगर थी वो 88 पे आ गई, और जो 212 थी वो 108 पे आ गई। हाँ जी। तो इसके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का और डॉक्टर एस कुमार का कि मैं और बाकी लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो सकती है, बेशर्ते आपको एक अच्छा और सही गाइडेंस करने वाला डॉक्टर मिले। हाँ जी, आपका नाम? प्रभा शर्मा। आप यहाँ जयपुर में डायबिटीज़ के इलाज के लिए वैशाली नगर में आई थी। हाँ। तो अभी मुझे बताइए कि यहाँ आने के पहले आपकी स्थिति क्या थी? मेरी 500 और 350। अच्छा, ये कितने साल से डायबिटीज थी आपको? ये 18 साल हो गई। और 18 साल में कभी कंट्रोल में नहीं आई? नहीं आई है ना। किसी डॉक्टर ने आपको इंसुलिन भी बताया था निकालने के लिए? या इंसुलिन बताया, यहाँ पे मानसरोवर में एक डॉक्टर साहब थे। अच्छा, उन्होंने इंसुलिन बता दिया था।
अच्छा, तो जब आप यहाँ पे आए यहाँ पे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में तो और कुछ टेस्ट भी हमने आपसे कुछ एक्स्ट्रा कराए थे है ना, वो इसके पहले कराए थे आपने कभी? ये उससे पहले ये बस पीपी और फास्टिंग का टेस्ट था बस, और 3 महीने का, और 3 महीने का ये आपने करवाया है। हाँ जी, तो अभी जो यहाँ पे हम लोग टेस्ट देख रहे हैं आने के बाद, जो आपका पहला जो पेपर है आपका है 28/5 का, इसमें आपकी जो फर्स्ट टाइम ये है वो है 325 है ना जी, और उसके बाद में सेकंड आप 15 दिन के बाद आई थी तो ये है आपका 188 बराबर है, और आज का जो रिपोर्ट है आपका कॉलेज हर 15 दिन में आप आ रही हैं तो 26 का रिपोर्ट दिखा रहा है 92 और 104। तो इस जो रिजल्ट्स आपको आए इसके बारे में आपको क्या कहना है अप्रोप्रिएट डाइट? ये तो बहुत अच्छी है, मतलब जितनी उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि इतनी कम हो जाएगी। हाँ। और इतनी इतनी दवाई खाई है, खूब दवाइयाँ 10-10, 15-15 गोली खाई और उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ। और आपके पास आने से ही इतना आराम हुआ है। आप हमारे पास में आए थे और आपको खाने पीने में कुछ बताया कि कुछ खान पान चेंज करना है। हाँ जी सर, है ना, और अभी आज आपका रिपोर्ट आपने लेके आए हैं जो 23/6 का निकाला था, इसमें था 104 और 118, और अभी 19 से जो रिपोर्ट लाया आपने 99 और 110, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इतना अच्छा रिपोर्ट आपका आया है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में या डॉक्टर कुमार के बारे में? सर इसके लिए मैं बहुत ही एक धन्यवाद अपने मन से बोलना चाहता हूँ, सर इतने अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि मेरे को इतना मेरा तबीयत खराब थी कि रोटी खाने के बाद 165 से 276 चले जाती थी, अब जो खाना खाने के बाद एकदम उसके पहले भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। सर आपका नाम? मैं मिसेस सीमा गुप्ता। आपको डायबिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे तो आप यहाँ आई थी, तो अभी आपके यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में कैसा लग रहा है आपको, या पहले आप बहुत लोगों के यहाँ गए होंगे, और कितने साल से डायबिटीज थी आपको? सर मुझे 3 साल हो गया डायबिटीज के। हाँ। और मैं कई डॉक्टरों से मिली, कई जगह दिखाई, बट मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, कभी भी कम नहीं होता था, 200-250 ऐसे मेरा शुगर लेवल रहता था, मैं बहुत परेशान होती थी इस चीज़ के लिए कि कैसे कंट्रोल होगा। डॉक्टर ने जो मेडिसिन कहा मैंने खाया, बट उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था जी। तो यहाँ पे आज आप आई हैं, ये जो आपने हमने रिजल्ट देखे आपके 128 था जी, अभी 122 पे आया है, और 116 था आपका फास्टिंग, वो 97.36 आ गया है, और ये जो मेजर जो है आपका जो 3 महीने का एवरेज है 7.8 से अभी आप 5.7 पे आया, जो कि 3 महीने का एवरेज कहला जाता है। और अभी आपको कैसा महसूस होता है, जैसे आपको फ्रेश लग रहा है, और क्या क्या आपको उपलब्धियाँ हुई हैं इससे? सर मुझे फ्रेश तो फील होता है, वेट भी मेरा थोड़ा लूज हुआ है 2-3 kg, और पैरों में जो झंझनाहट रहती थी वो भी अभी नहीं है, और कभी कभी जलन होती थी वो भी नहीं है। कांतिलाल केनिया। आप थाना में आए थे शायद, मुलुंड में रहते हैं? मुलुंड में रहते हैं, थाना में हम लोग ने 15 दिन 15 दिन 2 टाइम लिया, हमको एकदम अच्छा लगा है। पहले रिपोर्ट आपके काफी बड़े हुए थे, फास्टिंग और पोस्टिंग दोनों का। हमारा 10 साल से मेरे को डायबिटीज था, तो 10 साल में किधर एडजस्ट नहीं होता था, इनके पास आ गया तो पहले ही टाइम में मेरे को आधा फायदा हुआ। हाँ, ये आपका जो ये रिपोर्ट दिखा रहा है ये है 144 से 71, और अभी 51 आया है ना। हाँ, ये आपका है आज का तारीख, और दूसरा जो है ये फास्टिंग है, और जो पीपी है, पीपी का भी आपका ऐसे ही है, जो आपका 269 था 153 और अभी 132 आया है। तो इस अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में आप क्या बोलना है? बहुत बहुत लोग परेशान हैं इसके बारे में। हम बस परेशान थे इसीलिए तो हमको जब एक इसका डायबिटीज का हम लोग देखा तो एकदम फायदा हो गया। अच्छा, अभी तक मैं सब लोग डॉक्टर के पास गया, लेकिन इधर जो मेरे को फायदा मिला है वैसा फायदा किधर नहीं मिला। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है सर। और कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलारी डिस्ट्रिक्ट मरदवार, यूपी बेस्ट। ओके, तो आपको उस डायबिटीज से जो ये थी तकलीफें थी, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या फायदा हो रहे हैं? सर मेरा वेट
बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, लेकिन यहाँ की जो मेडिसिन है उसको यूज़ करने के बाद, सप्लीमेंट्स हाँ, उसको इस्तेमाल करने के बाद मतलब वेट भी मेरा बेहतर हुआ है पहले से, और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जैसा कि भ्रम फैला हुआ है कि चावल नहीं खाने चाहिए, ये तो उस तरह से मैंने उसको यूज़ किया आपके बताने के अनुसार, मुझको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपका नाम? एसएल खत्री। आप अमरावती से हैं और नागपुर में आप आए हुए हैं? अमरावती से आता हूँ जी। हाँ, तो पहले में और अभी में कितना फ़र्क आपको डायबिटीज़ में समझ में आ रहा है, या जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स निकलवाए थे? दो महीने पहले मेरे 276 थी, 376 सॉरी, और अभी कंट्रोल में 145 के अंदर है, 122 और 178। हाँ जी, सभी रहेगी। हाँ हाँ, तो ये आप कितने साल से इससे डायबिटीज के साथ पीड़ित थे? 19 साल से। और इंसुलिन कितने साल से ले रहे थे आप? 10-11 साल से। और आज इंसुलिन ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो चुकी है और आपके इंजेक्शंस भी अभी सब बंद कर दिया, बाकी गोलियां बंद कर दिया सब। हाँ जी, आपका नाम? तरुण अग्रवाल मेरा नाम है। हाँ जी, आप बॉम्बे में दादर में शुगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के लिए आप आए थे? हाँ, मैं डॉक्टर राजेश कुमार से मिला था, तो ये मेरी चौथी विजिट है। इसकी जो अपनी जो पुराने रिपोर्ट्स बता रहे हैं ये, हाँ, 18-4 को आए थे, 5-5 और अब 29 तारीख है आज, तो आपकी जो थी जो फास्टिंग थी, हाँ, 223 ये दिखा रही है, हाँ, उसके बाद 155 और आज की 97 है। हाँ, ऐसी जो फास्टिंग थी पोस्ट मिल है 289, 241, 108, ये जो आज की रिपोर्ट दिखा रही है, करंट की रिपोर्ट में 97 आई है फास्टिंग की। तो इसके बारे में आप इस थेरेपी के बारे में क्या बोला है? बहुत से लोग जो परेशान है पूरे वर्ल्ड में कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती या कंट्रोल में नहीं आ सकती, तो ये आपका अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? अभी तक का मेरा अनुभव 2 महीने का जो है कि डाइट जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बताते हैं उस हिसाब से कंट्रोल करने से ये भी सही हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम? हिंदी में। मैं मिसेस अपर्णा नंद किशोर तारी। आप कहाँ से? आप नागपुर में आए थे हमारे यहाँ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में, तो क्या तकलीफें थी आपको? मैं आई थी, मेरे को 10 साल से डायबिटीज है। जब मेरी बड़ी बेटी 10वीं क्लास में थी तब से मुझे डायबिटीज है, और मेरे को यकीन नहीं खुद पे आ रहा है कि मेरा इतना कम हो गया। जो 425 शुगर निकलती थी वो अभी 108 आ रही है। 108 पहले की, खाने के पहले की है, और खाने के बाद की सिर्फ 93-98 तक आती आ गई है आपकी, है ना? तो मैं तो बिल्कुल ऐसी उड़ रही हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा मिराकुलस लगता है कि कभी जिस चीज को सोचा नहीं आपने, हाँ, 10 साल से बिल्कुल। वो आज आपको एक महीने के अंदर आपको रिपोर्ट्स आ गए इस टाइप से। हाँ, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में कि लोगों ने लेना चाहिए? बहुत लेना चाहिए। बहुत पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हैं, गोलियां खा रहे हैं 10-10, 20-20 साल से और शुगर कोई कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और ये थेरेपी करें, क्योंकि इसके वजह से जो मैं 10 साल में नहीं कर पाई वो 1 महीने में डॉक्टर ने कर दिखाया। मैं तो अक्सर उनके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको कि ऐसे तुम सभी पेशेंट को करो। नहीं, पेशेंट तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेशन चाहिए ना पेशेंट। हाँ बिल्कुल, मैं तो जहाँ भी जाऊँगी आपका नाम लेके सबको बोलूंगी कि नहीं यहाँ पे जाओ, तुम्हारा शुगर कंट्रोल होगा, तुम्हारा सब कंट्रोल होगा, तुम एक बार जाके देखो। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की संपूर्ण भारत में 23 से भी अधिक सेंटर कार्यरत हैं। अपने शहर के सेंटर का पता जानने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपने शहर का नाम दर्ज करें। नेशनल खबर अपने सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता है जिन्होंने नेशनल खबर पर अपना भरोसा जताया है। नेशनल खबर आपके लिए लगातार तमाम डॉक्टर और हेल्थ से जुड़े स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू आपके लिए लाता ही रहेगा। सही और अनुभवी डॉक्टर्स का चुनाव दर्शक स्वयं अपने ज्ञान और विवेक से करें। नेशनल खबर की रिपोर्ट, दिल्ली।
नेशनल खबर सब पर नजर।